पहले जो पॉलिसी पैरालिसिस का युग था, भारत का मान सम्मान दुनिया में नहीं था, उससे अलग ले जाके एक नए भारत का निर्माण उन्होंने कर दिया है, वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, शक्तिशाली। अब देखो तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से भारत को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया है। और तीसरे कार्यकाल में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर होगी तो हमारा भारत होगा, हमारा देश होगा। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां, डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम विश्व के सिरमौर हैं, जीएसटी आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऐसे वैश्विक अभियानों से भारत की ताकत संकटग्रस्त क्षेत्रों से सकुशल निकाल लाने की पूरी दुनिया ने देखी है। तेजस युद्ध विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बियां, टैंक, ड्रोन, यूवी, यूएवी, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे रक्षा आयुधों के निर्माण को गति मिली है और हम हथियारों को अब निर्यात भी कर रहे हैं। राफेल और S-400 जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण आज हमारे पास है। सर्जिकल स्ट्राइक, देखो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अब चाहे गलवान में चीन की गर्दन मरोड़ना हो या पाक से आए आतंकवादियों का सफाया करना हो, भारत किसी को छोड़ता नहीं है। धारा 370 खत्म, कश्मीर में शांति, समृद्धि का नया दौर प्रारंभ हो गया। अब तो भारत का चंद्रयान, जब हम छोटे छोटे थे तो रूस का लूना जाता था, अमेरिका का अपोलो जाता था, हम सोचते थे भगवान हमारा कब जाएगा। आपने देखा अब चंद्रयान चंद्रमा पर उतर चुका है। कोविड जैसी महामारी को मात देके हमने टीके बनाए स्वदेशी, और भारतीयों को तो लगा है, 100 से ज्यादा देशों के लोगों को भी लगा कि उनकी जिंदगी भी बचाने में हम सफल हुए। देश भर में बन रहे हाईवे, एक्सप्रेस वे, हम देख रहे हैं आश्चर्य के साथ। मिशन गति शक्ति, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नदियों को जोड़ना हो, और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, महाकाल महालोक भी बन गया, राम रजा लोक भी बन रहा है, एकात्म धाम भी बन रहा है, भारत भी बढ़ रहा है, अपना मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है। जनधन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आयुष्मान भारत, और योग के माध्यम से भी स्वास्थ्य को दुनिया के भर में स्वास्थ्य को एक नई दिशा देने का काम हुआ है। मेरे मित्रों, उपलब्धियां अनंत है। इन सब उपलब्धियों के लिए मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और उनके नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश भी अपना पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमारू, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, लेकिन आज मुझे कहते हो खुशी है, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 16.9% के आसपास है। हम भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज केवल दो चीजें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर हमारे वो सारे भाई और बहन जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, जो कारीगर हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके बिना निर्माण का काम नहीं हो सकता। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के सर्वोच्च वास्तुकार, विश्वकर्मा विश्व की सृजन शक्ति के प्रतीक, ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है, सर्वोच्च कारीगर के रूप में वास्तुकला और यांत्रिकी विज्ञान एवं स्थापत्य वेद के वे निर्माता हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना की, रचना में ब्रह्मा की सहायता की और संसार की रूपरेखा का नक्शा तैयार किया। इंद्र का सबसे शक्तिशाली वज्र भी भगवान विश्वकर्मा ने
बनाया था देव शिल्पी होने के कारण, भगवान विश्वकर्मा मशीनरी और शिल्प उद्योग से जुड़े लोगों के भी आराध्य हैं। और हमारे विश्वकर्मा जितने भी कारीगर हैं, अलग अलग कारीगर, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो नाव निर्माता हो, अस्त्र बनाने वाले हो, लोहार हो, हथौड़ा टूल किट के निर्माता हो, ताला बनाने वाले हो, सुनार हो, कुम्हार हो, राजमिस्त्री हो, चर्मकार हो, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले हो, गुड़िया और खिलौने के निर्माता हो, हमारे नाई भाई हो, मालाकार गार्लैंड मेकर हो, धोबी हो, दर्जी हो, मछली पकड़ने का जाल के निर्माता हो, मूर्तिकार हो, ये सब हमारे लिए आधुनिक विश्वकर्मा है। इनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके बिना आज ये सृष्टि आज की भी चल नहीं सकती। और इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लेके आ रहे हैं, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रतीक हैं, उन्हीं की वजह से आज सारे निर्माण का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश के कौशल तंत्र को राष्ट्र के विश्वकर्माओं की जरूरतों के अनुरूप ढालने का काम किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाकर हमारे परंपरागत कारीगर अपनी स्किल को स्केल दे पाएंगे। इस योजना के माध्यम से वो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी अपने पारिवारिक हुनर से अवगत करा पाएंगे, पारंगत करा पाएंगे। इस योजना के माध्यम से हर जिले के कुशल कारीगरों और कामगारों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर उनके हुनर, कला और प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उनको 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। प्रशिक्षण और कौशल सत्यापन के बाद उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हर लाभार्थी को 15,000 रुपए का टूल किट भी दिया, 15,000 रुपए टूल किट के लिए दिए जाएंगे। और अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आसान ऋण सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में 5% की दर से 1,00,000 रुपए का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। दूसरे चरण में 3,00,000 रुपए तक के ऋण का प्रावधान है, ताकि उनका काम धंधा तेजी से आगे बढ़ सके। और इसलिए इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मध्य प्रदेश के सभी कारीगरों को कहना चाहता हूं, विश्वकर्माओं को कहना चाहता हूं कि इस योजना का आदर्श क्रियान्वयन मध्य प्रदेश की धरती पर हम आपको करके देंगे। हमारे सारे कारीगर भाई बहन प्रशिक्षित हों और इस योजना से अपने काम धंधे को आगे बढ़ाए, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आईटीआई के हमारे छात्र बैठे हैं, आज दीक्षांत समारोह हमारा संपन्न हुआ है। मेरे बेटा बेटियों, तुम भी आधुनिक विश्वकर्मा हो, आने वाले मध्य प्रदेश का तुम निर्माण करोगे, भारत का तुम निर्माण करोगे। और इसलिए मैं यशोधरा जी को भी आज बधाई देना चाहता हूं, हमने अपनी आईटीआई को बेहतर करने का प्रयास किया और बहुत जल्दी अगले महीने के पहले सप्ताह में ग्लोबल स्किल पार्क हमारा बनके तैयार हो जाएगा, जो भारत का अनोखा स्किल पार्क होगा, जहां 6,000 बच्चों को हम आधुनिक प्रशिक्षण देंगे, जिसके कारण प्लेसमेंट भी ठीक से जल्दी मिल जाए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी अब हमारे बीच पधार गए।